भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के अमीर व्यक्तियों में शुमार मुकेश अंबानी ने आनंद पीरामल को अपना दामाद के रूप में चुना है। मुकेश अंबानी अपनी इकलौती बेटी ईशा अंबानी का हाथ आनंद पीरामल को सौंप चुके हैं। ईशा और आनंद लंबे समय से दोस्त हैं। आनंद पीरामल पीरामल ग्रुप के संस्थापक सेठ पीरामल के पपौत्र हैं और अजय पीरामल के बेटे हैं। आनंद पीरामल मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू के बगड़ कस्बे के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आनंद पीरामल को बखूबी नहीं जानते हैं। तो आइए आज यहाँ जान लेते हैं कि आखिर भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की पसंद अपनी बेटी ईशा के लिए कैसी है। आनंद पीरामल एक बहुत ही अमीर और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आनंद पीरामल अपने पिता अजय पीरामल की कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर हैं। पीरामल एंटरप्राइजेस के वैल्यू करीब $4 बिलियन है। आनंद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स में स्नातक हैं। इसके बाद आनंद ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किया है। बिजनेस स्कूल से पास होने के बाद उन्होंने दो स्टार्टअप शुरू किए। पहला हेल्थ केयर स्टार्टअप था जिसका नाम पीरामल ई स्वास्थ्य था। उनका दूसरा स्टार्टअप रियल एस्टेट का था जिसका नाम पीरामल रियलिटी था। पीरामल ई हेल्थ है जो आज करीब 40,000 से ज्यादा रोगियों का इलाज कर रही है। अब दोनों पीरामल इंटरप्राइजेस का हिस्सा है। पीरामल इंटरप्राइजेस वेबसाइट के मुताबिक आनंद ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस को देखते हैं। वहीं मुकेश अंबानी और आनंद के पिता अजय पीरामल दोनों संबंधियों के बीच दोस्ती की चर्चा बिजनेस जगत में होती रही है। पीरामल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत 1920 में हुई थी जब पहले वर्ल्ड वॉर के बाद अजय पीरामल के दादा सेठ पीरामल चतुर्भुज मखारिया 50 रुपए लेकर राजस्थान के बगड़ कस्बे से बॉम्बे पहुंचे थे। 90 के दशक में मुकेश नीता अंबानी और अजय स्वाति पीरामल साथ में अंटार्कटिका के ट्रिप पर गए थे। आनंद ईशा दोनों परिवारों के बीच दोस्ती का रिश्ता होने की वजह से सालों से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना है और यही वजह है कि आनंद और ईशा की दोस्ती प्यार में बदल गई। आनंद ने ईशा अंबानी को प्रपोज किया था जिसके बाद ईशा ने भी उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। खबरें हैं कि आनंद ने ईशा को महाबलेश्वर मंदिर में प्रपोज किया था। दोनों ने ही इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी और अब दोनों की दोस्ती परिवार वालों की मर्जी से शादी तक पहुंची। आनंद पीरामल के पिता अजय पीरामल पीरामल ग्रुप और श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन हैं। अजय पीरामल को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करते हुए देखा जा चुका है। अजय पीरामल की कंपनी पीरामल ग्रुप फार्मा हेल्थ केयर और फाइनेंस सर्विस के क्षेत्र में काम करती है। फोर्ब्स के मुताबिक अजय पीरामल की संपत्ति $4.5 बिलियन है और वे भारत के अमीर लोगों की सूची में टॉप 30 में गिने जाते हैं। वहीं पिता के बाद सारे कामकाज की जिम्मेदारी आनंद की ही है। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताएं कि रिलायंस जियो किसकी कंपनी है, मुकेश अंबानी की या फिर अनिल अंबानी की। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे सभी रोचक जानकारियों को जानने और देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।